उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत कल यानी सोमवार से हो चुकी है, जिसका आज दूसरा दिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की। 2018 में हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी योजना लागू की और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। हर एक व्यक्ति को इसके अनुरूप कार्य देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। कोविड प्रबंधन का एक मॉडल प्रदेश ने देश के सामने और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की। बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश को कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन मॉडल देश को दे करके उसको देश के सामने एक नजीर बनवाया। उत्तर प्रदेश राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, उत्तर प्रदेश ने साबित किया और आज देश के अंदर कहीं भी हम जाते हैं लोग इस बात की चर्चा करते हैं। आज हर तबका इस बात को स्वीकार करता है। हर पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश ने भारत सरकार के सहयोग से मिलने वाली उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का काम किया। विगत 5 वर्ष में 45 लाख लोगों को एक एक आवास मिल जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक एक आवास मिल जाना, 2,61,00,000 गरीबों को शौचालय की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में और 10 लाख के आसपास गरीबों को नगरीय क्षेत्र में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो जाना, प्रदेश के अंदर 1,21,000 से अधिक मजदूरों में विद्युतीकरण का कार्य करने के साथ ही 1,43,00,000 से अधिक गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिल जाना, रसोई गैस के कनेक्शन 1,70,00,000 परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध हो जाना। इतने बड़े प्रदेश के अंदर कोविड कालखंड में 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार थी, डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध करा रही थी हर महीने। ये सरकार के उस संवेदनशील चेहरे की ओर को प्रदर्शित करता है। एक तरफ कानून का राज होगा, दूसरी तरफ अपने नागरिकों के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ सरकार कार्य करेगी। और यह सब हम लोगों को यहां पर इस दौरान देश ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा। प्रधानमंत्री जी जो मॉडल देते थे कि जान है जहान है, उत्तर प्रदेश ने इसको लागू किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीवन भी और जीविका को भी बचाना है, तो जीवन को बचाने के लिए एक और हम लोगों ने टेस्टिंग बढ़ाई। दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर कल कारखाने, उद्योग धंधे, ऑफिसेस चालू रहे, इसके लिए कोविड हेल्प डेस्क बना करके स्क्रीनिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो जहां बीमार है उस वहीं उपचार करो, जहां बीमार वहीं उपचार। तो इसके लिए आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, ENM, हेल्थ वर्कर्स, इन सबको लेकर के घर घर स्क्रीनिंग करने की कार्रवाई और उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को सबने स्वीकारा और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपना न केवल ईज ऑफ लिविंग में बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बेहतरीन लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ा है। विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट 2022-23 के संबंध में चर्चा के दौरान राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी। नई सरकार के गठन होने के बाद अपने पहले अनुपूरक बजट को लेकर के सदन में इस पे चर्चा हुई। मैं सबसे पहले उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया, अपने अमूल्य सुझाव दिए हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। अनुपूरक बजट को लेकर के देखेंगे तो हमारा एक प्रदेश शासन का 22-23 का ये बजट लगभग 6,50,000 करोड़ रुपए का पहुंचने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अपेक्षा की जाती है जहां पे 25 करोड़ की आबादी निवास करती थी, उस बड़ी आबादी के लिए
एक बड़ी सोच के साथ हम कार्य कर सकें, और बड़ी सोच के साथ कार्य करते हुए हम लोगों ने इस दौरान बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। आज देश के अंदर जिन राज्यों की आबादी उत्तर प्रदेश से 1/6 है, 1/8 है, 1/4 है, वे लोग घाटे का बजट प्रस्तुत करते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्लस स्टेट है, यह उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है। लगातार पिछले 5 वर्षों से राज्य सरकार ने अपनी इस वित्तीय प्रबंधन का लोहा मनवाया है। बजट में FRBM की सीमा को COVID-19 के बावजूद भी हम लोगों ने कभी लांघा नहीं, उसको उस सीमा के दायरे में रहकर के बजट भी बनाया। प्रदेश के अंदर न केवल लोक कल्याणकारी योजनाओं को बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्यों को भी लेकर के प्रदेश को एक नई गति देने का कार्य हुआ है, और उसी कार्यक्रम को लेकर के हमें आज जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना पड़ा है। स्वाभाविक जिज्ञासा थे हमारे मित्रों की कि अभी बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा है भी, होनी भी चाहिए, और मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी थी जिन पर हमें ये कदम उठाने पड़े थे। एक, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर कुछ नए कदम उठाने की आवश्यकता है। उसके लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिन पर लगातार कार्य चल रहा है। फरवरी 10 से 12 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है, प्रस्तावित किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बड़े लक्ष्य को लेकर के निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य उत्तर प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकें। और जैसे हुआ थी कोविड कालखंड के दौरान, विगत 5 वर्ष के दौरान 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। आप अनुमान करेंगे उत्तर प्रदेश आज डाटा सेंटर का हब बन रहा है। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर अभी ग्रेटर नोएडा में लोकार्पण करने का कार्य, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन का कार्य भी हम लोगों ने नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में संपन्न किया। देश की पहली डिस्प्ले यूनिट चीन से उत्तर प्रदेश में लग चुकी, उसने प्रोडक्शन अपना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे अनेक आईटी और आईटीएमएस के अंतर्गत ढेर सारा निवेश हुआ, अलग अलग सेक्टर में ये निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। अभी बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा है भी, होनी भी चाहिए, और मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी थी जिन पर हमें ये कदम उठाने पड़े थे। एक, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर कुछ नए कदम उठाने की आवश्यकता है।